स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 थ्योरम है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपका पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि जो अदर साइड है वो इक्वल होगा और डायगनल ऑल्सो इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी का जो बराबर होगा 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है ए बी सी और यहाँ पर ए बी सी और ए डी सी क्या है, अपोजिट एंगल से। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएगा, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर 180 डिग्री। इस इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या आएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा एंगल डी सी बी से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर हमने ये साइड ए डी और ये साइड बी सी प्रूफ इक्वल करना है और ये डायगनल इक्वल करना है, तो किसी तरह से ये दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी में एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी कहाँ से, फ्रॉम 1 से, एंगल डी ए सी बराबर डी बी सी, डी ए सी बराबर एंगल डी बी आपका सी, ये वाला एंगल। रीज़न क्या है कि सेम सेगमेंट पर जो एंगल ये वाला बन रहा है, स्टूडेंट ध्यान देना, ये वाला और ये वाला इक्वल, सेम सेगमेंट पर ये जो एंगल, ये ही ये आर्क जो यहाँ पर सेम सेगमेंट में एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो इक्वल एंगल होगा, ये चीज़ तो आपको पता है। तो एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल सी बी डी के या डी बी सी के। तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग जो साइड्स होंगे बायसिपिसिटी के आधार पर इक्वल होंगे, यानी ए डी बराबर होगा बी सी के और ए सी बराबर होगा बी डी के, बायसिपिसिटी, ये प्रूफ हो गया हमारा ये थ्योरम, ठीक है।